बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। बहादुरगढ़ शहर में झज्जर पुलिस द्वारा युवाओं में छुपी खेल प्रतिभा को प्रदर्शित करने व निखारने के लिए ग्राम स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। युवाओं को शिक्षा एवं खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने तथा आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के साथ साथ गाँव में आपसी सद्भाव व शांति व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर गाँव बामनोली सहित 8 गाँवों को झज्जर पुलिस द्वारा गोद लिया गया था। मंगलवार को गांव बामनोली में आयोजित खेल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पुलिस अधीक्षक श्री पंकज नैन ने आज की खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ करवाया। इससे पूर्व मुख्य अतिथि के तौर पर बामनोली पहुंचने पर गांव के सरपंच दीपक उपमाकर तथा लगरपुर के सरपंच चांद सिंह और अन्य मौजूद व्यक्तियों द्वारा स्वागत किया गया। गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक श्री पंकज नैन द्वारा झज्जर पुलिस द्वारा अपनाए गए 8 गांवों में शिक्षा व खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के दिशा निर्देश किए गए थे। पुलिस द्वारा अपनाए गए 8 गांव के युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए इन गाँवों के युवाओं के बीच कबड्डी, वॉलीबॉल व रस्साक्षी आदि खेल प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएंगी। प्रतियोगिता में कबड्डी की विजेता टीम को 51,000, वॉलीबॉल व रस्साक्षी की विजेता टीमों को प्रोत्साहन के तौर पर 21/21,000 रुपए की नकद इनाम राशि दी जाएगी। पुलिस अधीक्षक श्री पंकज नैनी गांव बामनोली में आयोजित खेल प्रतियोगिता के सफल आयोजन पर बधाई देते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से युवाओं में खेल के प्रति उत्साह बढ़ता है, ऐसे आयोजन भविष्य में भी होते रहने चाहिए। उन्होंने कहा कि झज्जर पुलिस ने पहले दुबलधन को अपनाया था जिसके सार्थक परिणाम सामने आए। खेलों के प्रति युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जारी मुहिम के तहत 8 अन्य गाँव को अपनाया गया। युवाओं को आपराधिक गतिविधियों से दूर रखने तथा शिक्षा एवं खेल गतिविधियों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए झज्जर पुलिस ने 8 गाँवों को अपनाने का निर्णय लिया। झज्जर पुलिस द्वारा अपनाए गए गाँव बामनोली व लगरपुर की टीमों के बीच आज के तीनों मैच बहुत ही रोमांचक व उत्साहवर्धक रहे। दोनों गाँव के युवाओं ने बहुत ही कम समय में खेल मुकाबलों की तैयारी करके उम्दा प्रदर्शन किया। भविष्य में खेलों के प्रति प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए और अधिक गंभीरता से प्रयास किए जाएंगे। खेलों के प्रति प्रोत्साहन की कड़ी में आगे इन खेलों के सेमीफाइनल व फाइनल मैच आयोजित किए जाएंगे ताकि खेलों के माध्यम से प्रत्येक युवा को अपनी प्रतिभा दिखाने तथा अपने गांव व प्रदेश का नाम रोशन करने का अवसर प्रदान किया जा सके। झज्जर पुलिस द्वारा निकट भविष्य में पुलिस और पब्लिक के बीच आपसी सद्भाव एवं मैत्री बढ़ाने तथा वैचारिक दूरियों को कम करने के लिए गोद लिए गए गाँव में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण खेलों में वॉलीबॉल, कबड्डी तथा रस्साकसी व अन्य खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। सद्भावना खेलों का मकसद पुलिस और पब्लिक के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम करना और शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में एक दूसरे की मदद करना है। युवाओं को बुरी आदतों, व्यसनों से रोकना, नीति के मार्ग पर चलते हुए सक्रिय कार्य करने के लिए प्रेरित करना तथा खेलों के माध्यम से ग्रामीण युवाओं की छुपी हुई प्रतिभा को निखारना है। युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित करना, युवाओं की इच्छा अनुसार रोजगार के लिए मार्गदर्शन का उचित प्रबंध भी स्थानीय पुलिस द्वारा किया जाएगा। आज की खेल प्रतियोगिता में कबड्डी तथा वॉलीबॉल के मुकाबलों में गांव बामनोली की टीमें विजेता रही। वहीं रस्साक्षी के रोमांचक मुकाबले में गांव लगरपुर की टीम विजेता रही। पुलिस अधीक्षक श्री पंकज नैन द्वारा विजेता टीम के खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर DSP बहादुरगढ़ भगतराम, थाना प्रबंधक यातायात निरीक्षक अशोक कुमार, थाना प्रबंधक लाइनपाल बहादुरगढ़ उप निरीक्षक अमित कुमार, यातायात प्रभारी झज्जर निरीक्षक सुखबीर सिंह, कुलाना चौकी प्रभारी सहायक उप निरीक्षक मनोज कुमार, गांव लगरपुर की टीम के कोच मनीष राठौर, गांव बामनोली के कोच सुरजीत सिंह व प्रेम सिंह, गांव बामनोली के सरपंच दीपक उपमाकर, गांव लगरपुर के सरपंच चांद सिंह, दोनों गाँव के कबड्डी, वॉलीबॉल तथा रस्साक्षी टीम के खिलाड़ियों सहित अन्य मौजूद व्यक्ति मौजूद रहे। झज्जर पुलिस ने पहले एक दुबलधन गांव को गोद लिया था और वहां पर एजुकेशनल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स एक्टिविटी को प्रमोट किया था। मेन मकसद यही था कि हमारे युवा क्राइम से दूर रहें और उनकी एनर्जी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लगे। उसके पॉजिटिव परिणाम को देखते हुए आगे इसी मुहिम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए 8 और गाँव को गोद लिया है। इन सभी 8 गाँव में एजुकेशनल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स एक्टिविटी को हम प्रमोट कर रहे हैं। उसी के तहत आज यहाँ पर लगरपुर और जो बामनोली गांव हैं इनके गेम्स हुए हैं और आगे भी इस तरीके के गेम्स होते रहेंगे और इन्हीं 8 गांव का आगे सेमीफाइनल और फाइनल मैचेस भी हम करवाएंगे ताकि जो हमारे युवा हैं वो गलत डायरेक्शन में ना जाकर स्पोर्ट्स को चुने, एजुकेशन को चुने। हमारा एरिया काफ़ी पोटेंशियल का एरिया है जहाँ पर अच्छे स्पोर्ट्समैन निकल सकते हैं और आज हमने देखा भी कि
सिर्फ 10-10 दिन की तैयारियों में बड़ा अच्छा उम्दा खेल का प्रदर्शन दोनों गाँव की टीमों ने किया है। आगे भी इस तरीके की एक्टिविटी जारी रहेगी और भी ज़्यादा गाँव में हम इस तरीके की एक्टिविटीज़ करेंगे।